हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Hyundai Venue के N लाइन वेरिएंट के बारे में। और ये ना N लाइन का N8 टर्बो DCT पेट्रोल वाला आपका वेरिएंट देखने को मिलता है। इसके ऊपर केवल एक वेरिएंट आता है, वो आपका डुअल टोन में सेम टर्बो DCT डुअल टोन में मिलता है। इस वाले की प्राइस पड़ती है 13.75 लाख एक्सोरूम, और 15,000 और लगाएंगे तो आपको उसमें डुअल टोन वाला वेरिएंट मिल जाएगा। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 15.80 लाख ऑन रोड प्राइस है। और फिलहाल मैं हूँ ASM Hyundai ग्वालियर में, यहाँ पे आप आके इसको चेकआउट कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव वगैरह ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स दे रहा हूँ। की फॉब की बात करें तो कुछ इस तरह की फॉब, जिसमें लॉक अनलॉक, बूट रिलीज और इंजन स्टार्ट का बटन आपको मिलता है। दोनों चाबियां ऐसी ही मिलती हैं। ये डेमो कार है, इसलिए थोड़ी बहुत वेयर एंड टियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्रोम में पूरा आपको फ्रंट का ग्रिल देखने को मिलता है। अभी आप जानते ही हैं, एकदम ग्रिल चेंज कर दिया गया है। हो सकता है जब Venue का फेसलिफ्ट आए तो आपको ग्रिल क्रेटा जैसी देखने को मिल जाए। N लाइन की आपको बैजिंग देखने को मिलती है, Hyundai की बैजिंग है। फ्रंट में कोई भी पार्किंग सेंसर कैमरा नहीं है। नीचे का जो बम्पर है मैट ब्लैक फिनिश में, स्किड प्लेट आपको यहाँ पे सिल्वर कलर में दिए हैं। और N लाइन वेरियंट है, इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत रेड कलर का टच देखने को मिलता है। यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। कोई भी कैमरा वगैरह फ्रंट में नहीं है दोस्तों। नॉर्मल वाले आपको वाइपर्स देखने को मिलते हैं। इसमें आपको एडास के फीचर देखो यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन कैमरा बेस्ड एडास यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और उसी के लिमिटेड फीचर्स आपको यहाँ मिलते हैं। तो रडार वाला एडास आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। बाकी ऊपर आपको यहाँ पे नॉर्मल वाली सनरूफ कुछ इस तरह से देख लीजिए, और फंक्शनिंग आपको यहाँ पे रूफ रेल्स देखने को मिलती है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है, और यहाँ पे भी आपको रेड कलर का टच देखने को मिलता है दोस्तों। और लाइट सेटअप की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखो LED प्रोजेक्टर का, हेडलैम्प्स का और रिफ्लेक्टर का सेटअप देखने को मिलता है। एक आपका प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है और एक आपका रिफ्लेक्टर बेस्ड है। ये किनारे किनारे आपको यहाँ पे DRLs ऑफर किए जाते हैं, इंडिकेटर वगैरह हेलोजन में है, और कुछ इस तरह से ये पोर्शन आपको यहाँ देखने को मिलता है। ये भी आपका शायद DRL की तरह जलता है दोस्तों, ठीक। बाकी नीचे आपको कोई भी फॉग लैंप वगैरह देखो नहीं मिलती है। कुछ इस तरह से आपको ये एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो काफी बढ़िया लगते हैं। और वहीं बात कर लीजिए अगर इसके साइड प्रोफाइल की, तो ये देख लीजिए काफी बेहतरीन से साइड प्रोफाइल है। रेड कलर के जगह जगह पे आपको एसेंट देखने को मिलेंगे। बॉडी कलर में डोर हैंडल्स विद रिक्वेस्ट सेंसर आपको ऑफर किया जाता है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पे ORVMs देखने को मिलते हैं। ये रही आपकी N लाइन की बैजिंग, इधर भी रेड कलर का एसेंट, और क्रोम का यूज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। कहीं पे भी क्रोम का यूज या साइड में देखने को नहीं मिलता है। पिलर्स वगैरह मैट ब्लैक फिनिश में आपको देखने को मिलेंगे। अगर टायर्स की बात करी जाए तो देखो 215/60 R16 इंच के ट्यूबलेस रेडियल टायर्स हैं। डुअल टोन में आपके डायमंड के टलॉयज हैं। कैलिपर्स आपको यहाँ पे रेड कर दिए गए हैं। टॉर्सन बीम का फ्रंट का आपको यहाँ पे सस्पेंशन देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ऑफर करी जाती है। रियर में आएंगे तो N लाइन वाला वेरियंट है भाई, रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है दोस्तों। और कुछ इस तरह से कम्प्लीट आपको यहाँ पे साइड प्रोफाइल देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं रियर प्रोफाइल की, तो ये देख लो कुछ इस तरह की रियर प्रोफाइल। कनेक्टिंग टेल लाइट का पूरा सेटअप आपको देखने को मिलता है। वाइपर, डिफॉगर, वॉशर और साथ में हाई स्टॉप माउंट लैंप है। वहीं ऊपर देख लीजिए आपको यहाँ पे ना ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में स्पॉयलर्स और शार्क फिन एंटीना बॉडी कलर में देखने को मिलता है। Hyundai की बैजिंग, Venue की आपको बैजिंग मिलती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर किया जाता है। चार रिवर्स पार्किंग सेंसर एक बार चेक कर लिया जाए, एक दो नहीं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। सेम आपकी सीट की स्किड प्लेट जो है वो आपको सिल्वर कलर में है, डार्क सिल्वर कलर में है, रेड कलर में आपको पूरा एसेंट यहाँ पे आपको देख रहे हो। दो एग्जॉस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो डुअल एग्जॉस्ट के साथ आपको ये देखने को मिलती है। एकदम स्पोर्ट्स थीम पे आपको मिलती है गाड़ी। N लाइन की बैजिंग, आपके ये इंडिकेटर्स, LED का आपको पूरा सेटअप यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको फ्यूल लिड देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करी जाए तो 45 लीटर की देखने को मिलती है। टर्बो पेट्रोल इंजन आपको यहाँ मिलता है दोस्तों। एक बार ना बूट स्पेस की बात करी जाए तो ये देख लो, बूट में आपको सेंसर मिलता है। यहाँ पे आपको 350 लीटर का बूट स्पेस, साथ ही में पार्सल ट्रे, इमरजेंसी ट्रायंगल, लैंप आपको यहाँ पे एक साइड में देखने को मिलता है। ग्रोसरी हुक नहीं मिलता है। अगर स्पेयर टायर की बात करी जाए तो यहाँ पे स्पेयर टायर है, और टायर का साइज है आपको 195/65 R15 15 इंच का स्टील व्हील में है। और वहीं बीच में आप देखो यहाँ पे टूल किट भी रखी गई है। पार्सल ट्रे काफी अच्छी क्वालिटी की है। और रियर से देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे कंप्लीट डैशबोर्ड देखने को मिलता है दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ग्रैब हैंडल्स उल्टी साइड से बने हुए हैं। दो लाइटें हैं नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन के लिए। रिवर्स कैमरा आप देख सकते हैं। अब देखो रिवर्स कैमरा की क्वालिटी दिखाऊंगा ना तो पन्नी की वजह से सही दिखेगी नहीं। इसको बंद कर देते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर।
इधर आप देख लीजिए रिक्वेस्ट सेंसर बॉडी कलर में डोर हैंडल्स, और यहाँ पे आपको ना सेम कंप्लीट ब्लैक कलर का पैनल है। ये सॉफ्ट है, बाकी सब हार्ड है। पावर विंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक, ORVMs के कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बॉटल होल्डर मिलता है। अम्ब्रेला भी आप चाहो तो रख सकते हो, लेकिन मेरे को डाउट है कि अम्ब्रेला आएगा। अम्ब्रेला होल्डर ऑफिशियली नहीं दिया गया। टोटल आपको चार स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको यहाँ पे सीट्स देखने को मिलती हैं, ये देख लीजिए। लेकिन हाइट एडजस्ट करना हो तो आपको मैन्युअली ही करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आगे पीछे करना हो ऐसे हो जाएगा, एंगल करना हो तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन हाइट के लिए मैन्युअली ही करना पड़ेगा। और सीट की क्वालिटी बहुत बढ़िया भाई, रेड पाइपिंग, रेड स्टिचेस के साथ कंप्लीट फुल लेदरेट में आपको ब्लैक कलर में सीट मिलती है। इधर भी रेड एसेंट देखने को मिलते हैं, और देख रहे हो इनकी क्वालिटी बहुत अल्टीमेट है भाई। क्वालिटी के मामले में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। पैसा ले रहे हैं, अगर 16 लाख तो दे भी रहे हैं। फ्रंट में आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ऊपर सनरूफ देखने को मिलती है, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। फ्यूल लिड ओपनर, एक्सेलेटर और ब्रेक, साथ में डेड पैडल, हेडलाइट लेवलर, और अगर आपको रिवर्स कैमरा एक्टिवेट करना हो तो ना यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखो कुछ इस तरह से रिवर्स कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। साथ ही साथ इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप स्विच ट्रैक्शन ऑफ के लिए, और ये इग्निशन। एसी के वेंट्स, उसके ऊपर भी मस्त ये रेड एसेंट दिया है जो काफी बढ़िया लगता है। बाहर से देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको ये डैशबोर्ड देखने को मिलता है। अब अंदर से देखेंगे तो कैसा लगता है वो भी देख लीजिए। अंदर बैठेंगे तो डैशबोर्ड पे एक बार नजर मार लो, कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिलता है। कंप्लीट ब्लैक और रेड एसेंट बीच बीच में आपको दिए गए हैं। छत भी आपको कंप्लीट यहाँ पे ब्लैक मिलती है, एन लाइन की यही खासियत है। ठीक है, रेड और ब्लैक कलर के एसेंट के साथ पूरी गाड़ी बनी हुई है। आपको यहाँ पर राउंड स्टेयरिंग मिलता है, लेकिन आप देख रहे हो क्वालिटी क्या है, प्रीमियम है। और ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में पूरा आपको स्पोक्स मिलते हैं। इधर आपको सारे इंफोटेनमेंट स्क्रीन से रिलेटेड कंट्रोल देखने को मिलते हैं, और ये स्विचेज यार बहुत प्रीमियम है। इधर देख लीजिए क्रूज कंट्रोल मिलता है, और एडास के कुछ फीचर्स आपको जैसे लेन की असिस्ट वगैरह फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। पैडल शिफ्टर्स ऑफर किए जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, साथ में आपको यहाँ पे वाइपर्स मिलते हैं, लेकिन वाइपर ऑटोमेटिक नहीं है। स्टेयरिंग कॉलम आपका टिल्ट सपोर्ट के साथ आता है, लेकिन टेलीस्कोपिक सपोर्ट के साथ नहीं आता है। आपको फुल्ली डिजिटल यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, और आप देख लीजिए आपके सामने बहुत बढ़िया अल्टीमेट क्वालिटी है, और क्लैरिटी एकदम जबरदस्त है। अभी नहीं पता चला क्योंकि लेमिनेशन चला, लेकिन नेकेड आई से बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करी जाए तो 8 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, और टच रिस्पांस तो आप देख ही सकते हो, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए टच रिस्पांस आपको देखने को मिलता है। मैप, नेविगेशन, फोन, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है, साथ में वैले मोड भी है। इधर आ जाएंगे तो ब्लू लिंक के फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। इधर किनारे एसी के वेंट्स, उसमें आपको यहाँ पे एसेंट, इधर भी देख लीजिए सेम है। ये आपको लग रहा होगा व्हाइट है, ये व्हाइट नहीं है, ये कंप्लीट ब्लैक है, ये प्रोटेक्शन चढ़ाया हुआ है। ठीक, नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट स्क्रीन से रिलेटेड देखो यहाँ पे आपको कंट्रोल देखने को मिलेंगे, मीडिया, रेडियो, आगे पीछे करना हो, बुकमार्क करना हो, नेविगेशन, मैप, और कुछ इस तरह से आपको ये नॉब मिलते हैं देखो। ठीक है, बाकी इधर से आपको ये देख लीजिए कुछ इस तरह से, ये FM ट्यून करने के लिए। नीचे आ जाएंगे तो हैजार्ड की लाइट, ये देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे इंडिकेशन देता है, और आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक AC मिलता है, और बहुत प्यारा है, बहुत प्रीमियम लग रहा है। ये आपको छोटी सी डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलती है, और इधर देख लीजिए एक सेकंड ना इसका, ये अब देखिए अब क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको देखो डिफॉगर्स के कंट्रोल मिलते हैं, ऑटोमेटिक AC मिलता है, स्विच करने के लिए, ऑफ करने के लिए ऐसे ऑफ कर सकते हो। इधर आप चाहो तो आप यहाँ से फैन की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो, और यहाँ से टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हो, और नॉब्स पे ना रेड एसेंट दिया है जो काफी बढ़िया लगता है। वायरलेस चार्जिंग मिलता है, 12 वोल्ट का सॉकेट, एक USB पोर्ट, एक टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिलता है। 7-speed DCT गेयरबॉक्स ऑफर किया जाता है, और कुछ इस तरह का है, ये लॉक करने के लिए आपको देखने को मिलता है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ ड्राइव मोड मिलते हैं, चेक कर लिया जाए। ये देखो इको, नॉर्मल और स्पोर्ट, तीन ड्राइव मोड्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। अब देखो माइलेज यहाँ पे ना लगभग 17-18 का कंपनी क्लेम करती है। अगर टर्बो इंजन है तो ऑब्वियसली कम ही आएगा, और स्पोर्ट मोड में जाएंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा, लेकिन पावर बढ़ जाएगी। 2 कप होल्डर, मैनुअल हैंडब्रेक्स, क्रोम का यहाँ पे ट्रीटमेंट, आर्मरेस्ट आपको सॉफ्ट नहीं है, स्लाइडिंग में नहीं है, और आर्मरेस्ट के नीचे आपको इतना स्पेस देखने को मिलता है दोस्तों। बाकी सीट्स में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। ड्राइवर साइड में आपको यहाँ पे वैंटी मिरर नहीं मिलेगा, टिकट होल्डर मिलता है। को पैसेंजर साइड में आपको वैंटी मिरर मिलेगा, लेकिन लाइट नहीं मिलेगी।
ऑटोमेटिक IRVMs विद ब्लू लिंक फीचर ऑफर किए जाते हैं। केबल लाइट आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे हेलोजन में देखने को मिलती है। और ये रही आपके माइक्रोफोन की प्लेसमेंट। एक बार सनरूफ खोल के देख ली जाए, तो सनरूफ के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक सी सनरूफ है, लेकिन देखो जिनको चाहिए उनको तो चाहिए, बच्चे मजे ले सकते हैं। और आपको इसको वन टच में बंद भी कर सकते हैं। कंप्लीट हार्ड में आपको यहाँ पे डैशबोर्ड मिलता है और यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस मिलता है, लेकिन अभी नई वाली जो क्रेटा वेटा आ रही है ना, उसमें ये अंदर ग्रिप है, फोन वगैरह नहीं गिरेगा। लाइट आपको यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलती है। ग्लव बॉक्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन ग्लव बॉक्स में ना लाइट नहीं है। तो कुछ इस तरह का आपको कंप्लीट यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिलता है। कैसा लगा एक बार कमेंट्स में जरूर बताएगा। और ये रहा आपका कंसोल, कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएगा। अब चलते हैं सेकंड रो के सीटिंग कंफर्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड रो का देख लो भाई, सेकंड रो में सब कुछ सेम है। यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक का फीचर मिलता है। ये पोर्शन आपका सॉफ्ट में है विद रेड स्टिचेस, ग्रैब हैंडल्स, पावर विंडो के कंट्रोल्स, ये भी आपका हैंडल, स्पीकर की प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर, लेकिन एक लीटर वाली बॉटल शायद ही यहाँ पे जाए। बाहर से देखें तो ब्लैक और रेड कलर में आपको कंप्लीट इंटीरियर देखने को मिलता है। फुल लेदरेट सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी विद रेड स्टिचेस एंड रेड पाइपिंग। 60-40 स्प्लिट में सीट्स हैं। और एक बार सीट देख लो यार, क्वालिटी बहुत अल्टीमेट है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। आर्मरेस्ट और कप होल्डर की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट कप होल्डर नहीं मिलता है दोस्तों। अंदर बैठते हैं, तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे देखो सीट बेल्ट ऑफर करी जाती है। साथ ही साथ आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट एक बार देख लें। हाँ, तो आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट भी आपको यहाँ ऑफर किए जाते हैं। लेग रूम में आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी, नी रूम में कोई कमी महसूस नहीं होगी, थाई रूम में कोई कमी महसूस नहीं होगी। अगर हेड रूम की बात करी जाए तो आप देख लीजिए 5'4" मेरी हाइट है, उसके बाद भी देखो कितना स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। ठीक, तो कोई भी आपको ऐसा यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। बाकी फ्रंट में मैगजीन होल्डर नहीं मिलता है, देना चाहिए था। को पैसेंजर साइड में आपको मैगजीन होल्डर मिलता है। ये रहे आपके रियर एसी के वेंट्स, उसके फैन की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए, दो टाइप सी के पोर्ट और थोड़ा सा हम्प आपको मिलेगा। रियर से देखें तो कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड और सनरूफ के साथ आएंगे तो वाह 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 क्या ही बढ़िया लग रहा है। ग्रैब हैंडल्स विद कोटुक हैंगर। सेकंड रो में केबल लाइट हैलोजन में देखने को मिलती है। इधर भी आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलते हैं लेकिन कोटुक हैंगर नहीं है। रियर में जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे देखने को मिलेगी। तीसरे पैसेंजर की सीट बेल्ट यहाँ से निकल के आती है। तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट इंटीरियर। एक बार बात कर ली जाए इसके इंजन बे की, तो इस कार में आपको दोस्तों 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 118 bhp की पावर 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देगा। बाकी देख रहे हो नीचे से पूरा आपको यहाँ पे ढक के देखने को मिलता है। वॉशर फ्लूड की पोजीशन है, यहाँ पे आपको डैम्पिंग एसेच यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करी जाती है। और कंप्लीट कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे लेआउट मिलता है। माइलेज की बात करी जाए तो कंपनी लगभग 18 kmpl का माइलेज आपको यहाँ पे क्लेम करती है। तो दोस्तों ये थी आपकी ह्यूंडई वेन्यू का एन लाइन का N8 टर्बो DCT पेट्रोल वाला वेरिएंट। 15.80 लाख इसकी ऑन रोड प्राइस है। कार के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप ऐसे में ह्यूंडई में आके क्वेरी कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, डेमो व्हीकल आपके सामने पड़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।